हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुरुकुल की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का पुनः हार्दिक इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं। छात्रगण, एज इट इज उसी पड़ाव पर हैं जहां पर आप सबों को हम छोड़ गए थे। प्रीवियस क्लास आपको याद होगा कि नॉन वर्बल रीजनिंग के सीरीज के पड़ाव पर हैं, और सीरीज पर हमने कई टाइपें देखी थी कि सीरीज पर कितने प्रकार के क्वेश्चन सेटअप होते हैं। कभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर होता है, कभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कई प्रकार के पड़ाव हमने देखे थे। दो और पड़ाव की चर्चा करेंगे और उसके बाद सीरीज के कई सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, है ना। तकरीबन 5-6 क्वेश्चन सीरीज की करवाएंगे। ओके, तो चलिए, एक पड़ाव सीरीज में और होता है जिसको हमने टाइप डी नाम दिया है। कल तक 3 टाइप पढ़ाए थे, मुझे याद आ रहा है। साइज ऑफ एलिमेंट्स, अर्थात इसमें क्या होता है, ये जो पैटर्न फॉलो करते हैं छात्रगण, इनका जो पैटर्न होता है उसमें क्या होता है कि एक चित्र की साइज बढ़ती या घटती रहती है। आप देख लीजिए, इस चित्र को देखिए, ये जो बड़ा वाला जो ओवल शेप है वो इधर जाकर के छोटा हो जाता है सेकेंड वाला में, और इधर का जो बड़ा शेप है, प्रत्येक चित्र में ये होता है, इधर का बड़ा शेप इधर जाके छोटा होता है, फिर ये बड़ा है तो इधर जाके छोटा होता है, नई आकृति जन्म लेता है, फिर ये वाला जो बड़ा है इधर जाके छोटा होता है, नई आकृति जन्म लेता है, फिर ये गोल क्या है एकदम बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, एकदम एक भी ऑप्शन आपका यहां पर नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। नंबरिंग दिए हुए रहते हैं छात्रगण, 1, 2, 3, 4 और 5, तो आंसर कौन हो जाएगा मेरा, 5, और नई आकृति वहां जन्म ले लेगा, वर्गाकार आकृति। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसान होते हैं, बस पैटर्नों को पकड़ना जरूरी होता है ऐसी स्थितियों में, साइज ऑफ द एलिमेंट्स के केस में। तो हम सब छात्र यहां पर साइज ऑफ द एलिमेंट्स के केस में थे, और आपने देखा कि किस प्रकार से साइज बढ़ता और घटता है। सेकेंड एक आता है मिक्स सीरीज, ये हमारा अंतिम होगा सीरीज के केस में। मिक्स सीरीज में आप देख लीजिए क्या है, कई सारे चित्र हैं, बस कई सारे चित्र में आपको मैंने पहले ही कहा, सबसे पहले चेक कीजिए कि आपका नया कहाँ पर आकर के सेट हो रहा है, नई, और अगर बहुत सारे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा इंप्लीमेंट हो गया, तो किसी एक आकृति को पकड़ करके उसका मूवमेंट हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ की मूवमेंट अगर स्टार को देखते हैं तो स्टार यहाँ से देख लीजिए, जब इस फिगर से इस फिगर चलता है तो हाफ घर चलता है, स्टार कितना घर चलता है, हाफ घर, फिर यहाँ स्टार कितना घर चलता है, हाफ घर, फिर स्टार कितना चलता है, हाफ घर, फिर स्टार कितना चलता है, हाफ घर, यानी स्टार की जो मूवमेंट है वो पहले से दूसरे चित्र में आधा घर, फिर आधा घर, फिर आधा घर, फिर आधा घर, अगली बार भी स्टार आधा घर मूव करेगा। चित्र नंबर 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आधा घर यहाँ होता है, तो ये पकड़ाया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, यानी चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 5 पर आपको काम करना है। देखिए, एलिमिनेशन हम कैसे चलाते हैं, उस एलिमिनेशन को केवल पकड़ा कीजिए। अब फिर इसको लेते हैं, फिर ये कितना घर मूव है, आधा घर, फिर यहाँ से यहाँ आधा घर, फिर यहाँ से यहाँ आधा घर, फिर यहाँ से यहाँ आधा घर, फिर यहाँ से देखिए आधा घर, यानी जाहिर बात है अब ये यहाँ पर आ जाएगा आधा घर, देख लीजिए यहाँ नहीं है, यहाँ है ही नहीं। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग को फिर दिमाग लगाना होगा, चित्र की मूवमेंट फिर चेक करनी होगी हम सबों को। यहाँ चित्र नहीं था, गौर करिए, यहाँ पे ये चित्र है ही नहीं, चित्र यहाँ पर आया है हाफ घर, दूसरे चित्र में जहाँ पर ये आया है वहाँ से ये आधा घर मूव किया है, ऊपर आ गया है, तो हाफ घर हो गया, फिर आधा घर, हाफ घर, फिर यहाँ से आधा घर, हाफ घर, फिर यहाँ से हाफ घर, चित्र होगा ना यहीं पे एकदम, देखिए ये कॉर्नर पकड़ेगा, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 5 दोनों में ये कॉर्नर पकड़े हुए हैं, देख लीजिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सॉरी पहला और पांचवा में देख लीजिए वो कहाँ है। अब देख लीजिए, अब उतना मिलाने का आवश्यकता नहीं है, अब देख लीजिए गोलाकार आकृति, गोलाकार आकृति, यहाँ पर यहाँ त्रिभुज है, यहाँ पे एरो है, अगर हम एरो को पकड़ दें तो हमारा सारा मामला क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, नई आकृति का लगने का क्रम कहाँ पर चलता है, देखिए नई आकृति कहाँ लगता है, आप देख लीजिए नई आकृति एक बार यहाँ लगा है, फिर इसके पीछे लगा है नई आकृति, फिर इसके ऊपर लगा है नई आकृति, फिर यहाँ लगा है आकृति, तो जाहिर बात है अपर जो नई आकृति का जो मेरा प्रयोग होगा वो नई आकृति कहाँ लगेगा, जाहिर बात है यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, तो आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 5 दोनों में नई आकृति है, नहीं इसमें त्रिभुज यूज होगा, यहाँ पे त्रिभुज है, इसलिए नंबर कौन सा हो जाएगा, 5, ये नई आकृति को लेकर के चित्र नंबर 5 हो जाएगा। तो जब मिक्स्ड आपका सीरीज होता है तो इन मिक्स सीरीज में आपको एक चीज देखने की आवश्यकता होती है कि
कई सारे फिगर तो अपना जो घर वाला है 45 डिग्री 90 डिग्री या सबसे अच्छा आधा घर एक घर जो आपको काउंट करने के लिए सिखाए हैं उस पर आप अपना गमन करिएगा। और उसके बाद जब आप उस पर चल पड़े रहेंगे तो उसके बाद आपको ये चेक करना है कि दिया गया आकृति में कितना आकृति नया इंप्लीमेंट हुआ है और नया आकृति कहाँ पर लग रहा है। आप देखते हैं देखिएगा कि तीन चित्र तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाता है, सिर्फ दो ही चित्र आपको ऐसे बचेंगे जिस पर आपको जस्टिफिकेशन करना होता है, इंजेक्ट करना होता है। तो बहुत ही आसान है, इन पाँचों कंसेप्ट को जो आपको मैंने प्रीवियस क्लास से लेकर के आज तक की क्लास में जो बताया है इसको दिमाग में रखिएगा। आइए आपको अब सीरीज पर कई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, आगे की ओर लेकर के चलते। सीरीज के कई पड़ाव पर हैं छात्रगण और कई प्रश्न लेकर के आए हैं, कुछ चार चित्र भी हमने बोर्ड में स्केच किया है। आइए एक एक पिक्चर को देखते हैं और एक एक का हल निकालने का प्रयास करते हैं। इधर प्रॉब्लम फिगर रहेगा, उधर आंसर फिगर रहेगा, प्रत्येक में मार्किंग आंसर होंगे 1 2 3 4 5। प्रीवियस क्लास से बताते आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये सारा कुछ मेंटेन रहेगा। अब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे, देखते हैं क्या है। एक एक चित्र को एकदम गौर से देखिएगा, एक एक चित्र पे काम कीजिएगा, बहुत आपको मजा आने वाला है। आप इस चित्र को देखिए, यहाँ पर एरो है, एरो उठ करके यहाँ चला जाता है, देख रहे हैं ना, एकदम यहाँ हुआ, फिर एरो यहीं पे रहता है, कहानी खत्म हो गया। तीन ही में कहानी कहा, एरो उठ के यहाँ पर गया है और फिर उस तीसरे चित्र में भी यहाँ रहता है, फिर ये यहाँ उठ करके यहाँ गया है। अब कहाँ जाएगा, वहां जाएगा लास्ट वाला में। तो देख लीजिए चित्र नंबर एक पकड़ाएगा, ये कहानी खत्म हो गया, यानी कि 1 3 4 और 5 की संभावना बन गई, नहीं कोई दिक्कत। अब ये वाला देखिए, अगर यहाँ आता है फिर आधा घर जाता है, फिर वहीं पर रहता है, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, फिर अगर ये चलना शुरू करेगा, आप खुद दिमाग लगाइए, पहले ये यहाँ से यहाँ मूव करता है, फिर यहाँ मूव करता है, फिर यहीं रहता है और अगली आकृति में यहाँ के बाद में ये गायब हो जाता है। चित्र को देखिए गौर से, ये गायब हो जाता है, कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पर नई आकृति लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ मूव किया है, तो ये वाला भी आधा घर मूव करेगा, ठीक इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो चित्र नंबर देख लीजिए आपका आ जाएगा ये वाला, ये कहानी खत्म हो गई। अब तो ये रहेगा नहीं, ये बच गया, तीन बच गया, बस खत्म हो गया, आंसर आ गया आपका। दो ही चित्र में आप आंसर निकाल लिए, सिर्फ देखने की कला आपकी थी और दोनों कला से आपने आंसर निकाल लिया। तो देखिए कितना आसान होता है छात्रगण, और कितने बस पिक्चर फिगर को पकड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए जो उल्टा टी है, ये आधा घर चला, फिर इस कॉर्नर को पकड़ा, दिए गायब हो गया, और सॉरी यहाँ तक है, फिर देखिए यहीं पर रिपीट किया है, मतलब चार जगह ये समान चलता है, अब फिर नई आकृति जन्म लेता है, तो फिर वही चार जगह इसको चलाइए, यहाँ से ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहीं पर रहेगा, फिर यहीं पर रहेगा, फिर नई आकृति जन्म लेगा। तो इस प्रकार से हमको चित्र नंबर कौन सा प्राप्त हो जाएगा, नंबर 3। चलिए यहाँ उल्टे डी की कहानी है, एक एक डी को हम लोग पकड़ेंगे और काम करेंगे। इस डी को देख लीजिए, ये डी जैसा यहाँ पर है वैसे ही सेम टू सेम है। यहाँ पर देख लीजिए क्या हुआ है, ये डी जस्ट ऐसे करके पलटा है तो रो भी पलट गया, फिर यहाँ पर ये ऐसे करके पलटा है, फिर ये दोनों सेम रहा। अब इसकी पलटने की संभावना कैसे बनेगी बताइए, ऐसे पलटेगा, पलटेगा ना सेम टू सेम, एकदम अच्छी तरह से गौर करिएगा। यहाँ की डी की पोजिशन आप देख लीजिए, ये डी कहाँ है, ये डी और ये डी दोनों आपका सेम टू सेम है। ये डी क्या हो गया है, जस्ट ऐसे करके पलटा है, एक बार ये पलट गया, फिर ये डी ऐसे करके पलटा है, फिर ये दोनों सेम रहा। अब डी के पलटने की संभावना क्या हो जाएगी बताइए तो हमको, डी ज्यों का त्यों रहेगा, केवल एरो जो होगा आपका, एरो देख लीजिए, एरो सेम टू सेम, एरो जो है यहाँ है, फिर ऊपर पकड़ता है, फिर ऊपर पकड़ता है, अब उधर जाएगा, मैं तो कोई एकदम सब की बात आपको नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक हमारा चित्र नंबर कौन कौन हो जाएगा, देखिए पहला हो गया, दो खत्म हो गया, दो का तो संभावना खत्म हो गया, तीन भी खत्म हो गया, चार और पांच बच गया है, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है, देखिए ये भी इस तरह से टर्न लेता है और ये ऊपर जाता है, फिर ये सेम टू सेम रहता है, फिर ये देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, ये कंप्लीट पलट जाता है, यहाँ पर कंप्लीट पलट के इधर आ जाता है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम टू सेम रहेगा और यही चित्र उतरेगा। तो चित्र नंबर एक देखिए फॉलो कर रहा है, चित्र नंबर चार खत्म हो गया, यानी कि एक और पांच हो गया, यानी कि अब लास्ट हमको डी। कभी रेयर ऐसा केस होता है जब आपको सारा चित्र चेक करना पड़ेगा, अब हम इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पर ये ऐसे करके पलट गया है, बिंदु वहीं पर है, फिर ये ऐसे पलटा है, फिर सेम टू सेम रहा है, और फिर जो है ये सेम टू सेम रहा लेकिन बिंदु उठ करके इधर आ गया। अब संभावना क्या होगी, अब ये ऐसे पलटेगा, अब पलटने के बाद ये बिंदु यहाँ है, ये बिंदु ऊपर चला जाएगा, एक ही चित्र है और वो चित्र नंबर 5। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, 5।
और बाकी खुद अब करते करते देखिए क्या होगा कि अब मैं बहुत सारा क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में इसका अटैच कर दूंगा, तो प्रैक्टिस करते करते जानते हैं ये अपने आप आपके कब्जे में आ जाएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ कि लगातार एकदम प्रैक्टिस करते रहिएगा, तकरीबन हम समझते हैं कि 200-300 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसमें हैंडी हो जाए, देखते एक साथ पकड़ लीजिएगा। और अमूमन मैं आपको बता दूं कि परीक्षा लेवल पर इन सब चैप्टर पर अच्छा करना सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। अच्छा आगे चलते हैं फिर अपना वही तो चलेंगे, किसी एक चित्र को हम लोग यहाँ पकड़ने का प्रयास करते हैं, कोई एक चित्र को पकड़ना है। चलिए हम लोग इसको पकड़ते हैं, त्रिभुज को, यहाँ से देख लीजिए ये आधा घर आया है, फिर यहाँ पर कितना गया है एक घर, फिर यहाँ पर कितना आया ये आधा घर, फिर आधा घर। अब चित्र कितना मूव करेगा हमको खुद बता दीजिए, एक घर मूव करेगा कि आधा घर मूव करेगा, एक घर मूव करेगा, वेरी गुड। तो देखिए चित्र मेरा एक घर जब मूव करेगा तो चित्र यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा, इसकी संभावना खत्म, इसकी संभावना, यानी चित्र 1, 2 और 5 ये बन गया। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नई आकृति, देख लेते हैं सबसे पहले नई आकृति कहाँ पर जन्म लिया है। ये देखिए यहाँ पर नई आकृति, ये सेम टू सेम है, ये यहाँ पे यहाँ है, ये यहाँ, यहाँ पर देखिए नया आकृति जन्म लिया। यहाँ देख लीजिए नई आकृति कहाँ पर जन्म लिया है, देख लेते हैं, एक देखिए इस कॉर्नर पे नई आकृति जन्म लिया, यहाँ कहाँ कहाँ नया आकृति जन्म लिया है, देखिए यहाँ जन्म लिया। अब कहाँ जन्म लेगा, उस और जन्म लेगा, देख लीजिए, तो यहाँ पे नई आकृति जन्म लिया और यहाँ पर फिर कहाँ नई आकृति जन्म लिया है, देखिए यहाँ जन्म लिया, अब यहाँ पर नई आकृति जन्म लेगा। तो नई आकृति में कौन कौन हो जाएगा, देख लीजिए नई आकृति है, नई आकृति है, नई आकृति है, नई आकृति, अभी तक मेरा 3 को छोड़कर के बाकी सभी पिक्चर राउंड पे है। क्लियर हो गया अच्छी तरह से। अब चलिए अब यहाँ से देखते हैं ये इसकी क्या कहानी, ये उठ के यहाँ आता है, ये उठ के यहाँ जाता है, जाहिर बात है ये उठ के यहाँ जाएगा। तो चित्र नंबर पहला खत्म हो गया, 2 की संभावना बच गई, 4 की संभावना बच गई, 5 भी खत्म हो गया, 2 ही चित्र पर आपको डिसाइड करना है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या कहानी, ये चित्र उठ के यहाँ आता है, ये चित्र उठ के यहाँ आता है, तो ये चित्र उठ के एज इट इज आ जाएगा, तो चित्र नंबर 2 आपका आंसर हो गया। तो छात्रगण आप कितने आसान तरीके से देख सकते हैं कि क्या क्या कहानियां चलती हैं, नए चित्र कहाँ पर इंप्लीमेंट होता है, कैसे कौन वहां पर आकर के सेट हो जाता है, ये भी आपको देखना चाहिए। अगले चित्र में देखते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर आप, यहाँ पे एरो है, ये एरो उठ करके नीचे आ जाता है, फिर देख लीजिए दोनों हो गया, ये एरो उठ करके मतलब ये ऐसे करके पलट गया, ये जस्ट इसको इन्वर्टेड कर दीजिए, मतलब वाटर इमेज बना दीजिए, जस्ट इन्वर्टेड हो गया, हो गया, यहाँ ये गायब हो जाता है, फिर सेम चित्र लगा हुआ है और फिर ये इन्वर्टेड हो जा रहा है, जाहिर बात है फिर मेरा सेम चित्र है, ये यहाँ से इन्वर्टेड हुआ, तो अगर ये इन्वर्टेड होगा, ये इन्वर्टेड होगा, तो पहला बस एक ही चित्र है ये, तो आंसर हो गया आपका पहला, कहीं कोई दिक्कत। जो पहली आकृति है, पहली आकृति इन्वर्टेड हो जाती है, फिर नई आकृति आती है इन्वर्टेड हो जाती है, फिर नई आकृति आती है इन्वर्टेड हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगा, आगे हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कितने आसान तरीके से, भले थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं छात्रगण देखने में, हाथ पांव फूलने लगे कभी कभी आपको, अरे मेरा ये समझ में नहीं आ रहा, मेरा नहीं बन रहा है, लेकिन जब इसके अंदर बारीकी पर जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए छात्रगण की सचमुच सर ये बहुत इजी टॉपिक है और बहुत मजा आता है उन सबों को बनाने में। तो हम उम्मीद करते हैं छात्रगण कि आप इसे बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कल की क्लास में मुलाकात करेंगे, जहां आज यहां पे सीरीज यहीं पे हमें स्टॉप करते हैं, और सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन आपको अटैचमेंट में लगा दे रहे हैं, घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सो दैट कि चैप्टर आपका और हैंडी हो जाएगा। अगर आप बोले तो 2-3 क्वेश्चन और करवा दे, और करवा दे 2-3 क्वेश्चन, हम समझते हैं कि पीछे हम आपको लगभग लगता है 3, 3, 9, 4, 13, 14 बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, सीरीज खत्म करते हैं, अगले चैप्टर की ओर लेकर के चलते हैं। तो कल की क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सब खैर, बाय। और पीडीएफ अटैच करते रहे हैं, उसमें 250-250 क्वेश्चन हम अटैच कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन पे अच्छा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये चैप्टर आपका हैंडी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।